असलम मैं से इजाज़ का आई होप क्या आप लोग ठीक हो। मैंने भी आपके मन से बहुत अच्छी था। आज का जो मेरा ब्लॉग है आज मैं बना रही हूँ चिकन और करेले, और ये है कि मुझे आज सफ़र के कपड़े भी देने जाने हैं और सूट मैंने शिलिंग कर लिया है, जब सिलाई होकर आएंगे फिर मैं दिखाऊँगी। और आज का जो ब्लॉग है वो घर पर मैं बना रही हूँ चिकन और करेले। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, घर में बहुत ज़्यादा बिजी लोग था तो इस वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई। तो कल मैंने अपने घर पे कुछ पकाया भी नहीं था तो तबीयत बिल्कुल मेरी सेट नहीं थी, तो इस वजह से। बाकी जिस समय बहुत ज़्यादा पेन थी और ऐसे बुखार की हरकत भी हो रही थी और बीपी भी काफ़ी लो था, तो इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो अभी जो है मैं सफर के कपड़े भी देने चाहूँगी, खाना भी मुझे बनाना है, तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये सब बढ़िया सो रही है। करेले मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि मैंने नमक वगैरह लगा के इसको 10 से 15 मिनट रखा था। इसका पानी अच्छे से निकाल के इसको वॉश करके पहले मैंने ऑयल गर्म किया, फिर मैंने बीच में जो करेले डाले क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि रोजे का भी टाइम हो रहा है, तो इस वजह से। तो चिकन मैंने मंगवाया था तो चिकन के मैंने छोटी छोटी सी बुटियाँ की हैं और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट के रखा हुआ, मसाला वगैरह बनाया है ये अंदर इस वजह से रखे क्योंकि किचन में आती है ये बिल्ली और एक साथ साथ मैं अपना कमरा भी समेट रही हूँ, तो इस वजह से। क्योंकि करेले में अभी टाइम लगेगा क्योंकि करेले में जो है ना अभी करेले जो है फ्राई हो रहे, तो सारी चीज़ें मैंने रेडी की हुई हैं क्योंकि किचन जो है ना किचन में ना बिल्ली आ जाती है कब चिकन ख़राब कर दे, तो इस वजह से जो मैं निकाल चुके हूँ। और यहाँ पे ना मैंने प्याज उसी ऑयल में मैंने प्याज डाला है, मसाला कब डालना है पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तो साथ साथ रहिएगा, मसाला कब डालना है वो भी बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं चिकन डाल चुकी हूँ, सारा मसाला उसमें ऐड कर चुकी हूँ, तो अभी मैं इसको रखूँगी दम पे। अभी मैं चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी और तेज इसके फिर मैं करेले डालूँगी। तो यहाँ पे खाना मैं बना चुकी हूँ और सफ़र जो है ना अभी भी ड्यूटी से नहीं आए, और करेले और चिकन ये मोटी मिर्चें मैंने ऐड की हुई है इसमें। अच्छा जी, तो खाना मैं बना चुकी हूँ, सफ़र जो है अभी भी नहीं आए और रात के बज रहे हैं 9:11 हो रहे हैं, तो काफ़ी हो गया टाइम क्योंकि अभी जो है ना रोजा खत्म हो रहे हैं, तो सफ़र शॉप से लेट होते हुए जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे रमजान खत्म होते जाएंगे क्योंकि शॉप में हो जाएगा रश, तो इस वजह से। तो सफ़र अभी भी नहीं आए, खाना मैं बना चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर सो रही है। तो खाना मैं बना चुकी हूँ, सारे घर का काम कर लिया तो जो मेरी में हमारे तो अभी यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।